तो आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था, ठीक है। यहाँ से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, और ये एनसीईआरटी है, यूट्यूब का कोई नहीं बताता, ये एनसीईआरटी ध्यान नहीं देता है, और एनसीईआरटी हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। और परीक्षा में इस बार खुद ने बोर्ड ने कह दिया कि एनसीईआरटी इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए पहले, ठीक है। क्वार्ट को, मतलब क्वार्ट जो होता है, टुकड़ा होता है, पत्थर होता है, को कांच में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसको मतलब क्वेश्चन को समझिए और इसको समझिए, ठीक है। क्वार्ट का टुकड़ा होता है, ठीक है। इसको किस प्रकार से इसको कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको पिघलाया जाता है पहले, ठीक है। इसको पिघला का तुरंत ठंडा किया जाता है, तुरंत तुरंत ठंडा कर 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 इसको कांच बनाया जाता है। मैं लिखता हूँ उसको और आप मतलब अच्छी तरह से नोट करते रहिए। कापी कलम ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए, बिजली स्टोव पर ले लीजिए कापी कलम, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्वार्ट क्वार्ट को पिघला कर क्वार्ट को पिघला कर शीघ्र या तुरंत तुरंत ठंडा करने पर जो, और ये क्या होता है, कांच पता है आपको क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है, जो अक्रिस्टलीय बनता है, जो अक्रिस्टलीय ठोस बनता है, जो अक्रिस्टलीय यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस बनता है उसे कांच कहते हैं। आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको राइटिंग सुधारना की मतलब वीडियो बनाना चाहता है तो अभी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखा हूँ, क्वार्ट को पिघला कर तुरंत ठंडा करने पर क्या होता है ना, जो अक्रिस्टलीय ठोस बनता है, मतलब ये क्या है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, वही क्या है ना, तो जो बनता है तुरंत पिघलाएंगे या तुरंत पिघला कर ठंडा कर देंगे ना, ये जो बनता है ना, जो अक्रिस्टलीय ठोस बनता है वही कांच होता है। अब आगे देखते हैं, इसको आप समझना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। इसका नाम है टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। इसका तो नाम पता ही है कि टेट्रा फास्फोरस, इसको भी नाम बोलते हैं, और ये तो आयोडीन है। ये कौन सा ठोस है आपको कमेंट में बताना है, ये जवाब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, कौन सा ठोस है, धातु ठोस है, आयनिक ठोस है, श्वसनीय ठोस है, या कौन सा ठोस है। तो ये जो है ना, ये आण्विक ठोस है। ये कौन सा ठोस है, आण्विक ठोस है, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी है, ये पूछ देगा परीक्षा में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्रेफाइट प्लास्टिक कौन सा ठोस है। ग्रेफाइट जो है और प्लास्टिक है और सिलिकॉन कार्बाइड है, ये कौन सा ठोस है। ये जो ठोस है होता है ना, ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ये इधर मात्रा रहेगा, ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रूबिडियम और पित्तल कौन सा तत्व है। ये पित्तल आ गया तो ये कौन सा तत्व है, धातु। रूबिडियम क्या होता है, धातु होता है, तो ये धातु ठोस है, धातु नहीं, धात्विक ठोस लिख सकते हैं यार, धात्विक ठोस है, ठीक है, यहाँ से टिक मार दीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट है, सल्फेट नहीं है। और लिथियम ब्रोमाइड कौन सा तत्व है, ये जो यहाँ अमोनियम फास्फेट आ गया ना, लिथियम ब्रोमाइड आ गया, ये प्लस माइनस आता है इसमें ना, इसमें प्लस माइनस आता है, ये होता है आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, ठीक है। ये प्रश्न इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारे नहीं है तो, ठीक है, इसको बढ़िया से ले लीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। कोई इतना लोग देखते हैं बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ऐसा डेली वीडियो अपलोड हो रहा है आपके लिए, फायदे के लिए ना है, ठीक है। धन्यवाद।